नमस्कार दोस्तों, मैं सिंटू कुमार, मैं आपको स्वागत करता हूं अपने चैनल पे जिसका नाम है राज सिंटू कुमार। तो दोस्तों, हम लोग देखने वाले हैं आज की पाइप से पाइप कैसे फिटअप हुआ है, सब देख लिए दोस्तों। अब हम लोग देखने वाले हैं कि एल्बो सिटी कैसे फिटअप होता है, और दोस्तों कुछ प्रॉब्लम भी होता है तो वो भी कैसे सही किया जाता है, जैसे कि फ्लांज में जॉइंट जब फिटअप कर रहा हो टी से। देखिए दोस्तों, ये दोस्तों फ्लांज और जॉइंट दोस्तों पाइप से फिटअप किया हुआ, जो टी से पाइप है पाइप से फिर ये है। तो देखिए दोस्तों, अंदर दोस्तों उसका ऑडी जो है वो मैच बराबर नहीं हुआ है, तो उसके वजह से दोस्तों उसको सही किया जा रहा है, उसको ग्राइंडिंग करके। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं वीडियो में आपको क्या दिखा पाता हूँ और आप लोग क्या देखते हैं इस वीडियो में। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हम लोग का टी है और एक एल्बो है। तो देखिए दोस्तों, एल्बो में दोस्तों एक लगा हुआ है सपोर्ट टाइप में, जो सब में लगा हुआ था लगवा आता है। तो दोस्तों देखिए, सब कुछ पीछे साइड दोस्तों रेडी हो गया, सब कुछ ओके है, और दोस्तों टॉप में टेकिंग हो रहा है। ताकि टेकिंग हो जाएगा तो वो क्या होता है, उस टाइम रुक जाता है जॉइंट, तो जॉइंट जो है आपका जॉइंट कभी इधर उधर नहीं भागेगा। तो इसके लिए दोस्तों कभी भी जॉइंट को एक जगह पर लॉक हो जाता है, तो जो आपका जॉइंट जो है वो कभी भी इधर उधर नहीं जाएगा। देखिए दोस्तों, तो वही लॉक दोस्तों ऊपर में कर रहे हैं टॉप में, और दोस्तों नीचे में दोस्तों मैं दिखाता हूँ आप लोग को, थोड़ा ये हट जाए तो। तो देखिए दोस्तों, ये पूरा हो गया है टैकिंग, एक टैकिंग हो गया है, और दोस्तों इस साइड से पूरा ऐसे कैसे नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा दोस्तों ओवरलैप पीस में है। सो मैं दिखाता हूँ आप लोग को कितना ओवरलैप दोस्तों पीस में है। देखिए दोस्तों, ये देखो दोस्तों कितना ओवरलैप दिखा रहा है। देखिए दोस्तों, ये देखिए दो उंगली, देखिए मैं उंगली दोस्तों दिया हुआ, मैं इसको ये जो टी का जो पीस है बहुत ऊपर में है, और एल्बो का जो एज है भी वो दोस्तों बहुत नीचे में है। तो उसके लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा ओवरलैप दोस्तों इस टाइप में जॉइंट में है। तो इसका उपाय वो लोग करेंगे कुछ ना कुछ। देखिए दोस्तों, ऊपर में बिल्कुल बिल्कुल टॉप में बिल्कुल सही है, पर अंदर जो है, देखिए दोस्तों देखिए बाहर में बहुत अच्छा है, बाहर में कोई दिक्कत बाहर में नहीं, पर अंदर देखिए दोस्तों कितना आपको ओवरलैप दिख रहा होगा। देखिए दोस्तों, जो टी का है, देखिए दोस्तों मैं दिखा रहा हूँ, देखिए दोस्तों ये कितना हाइट पे है, और वो नीचे जो है वो कितना डाउन में है। देखिए दोस्तों, ये हाइट है और वो दोस्तों डाउन में है। तो देखो दोस्तों, ये दोस्तों दिखा रहा था मैं आप लोगों को दोस्तों, इधर से कितना दोस्तों दिक्कत है। और दोस्तों ये जो मैं पट्टी हाथ में लिया हूँ, ये दोस्तों ये गैप पट्टी है, जिसमें कि गैप से इसी से दोस्तों गैप बनता है, जो कि लगभग ये 4 मिली है, और 4 मिली से कभी भी बढ़ाना होता है गैप अगर, तो दोस्तों फिर ये जो है पट्टी है ना, दूसरा पट्टी ये दोस्तों यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये लगभग ये भी 1.5 mm ये भी होगा मेरे ख्याल से। तो दोस्तों फिर दोनों मिलाकर के 4 और 5 साढ़े 5 मिली हो जाता है। तो दोस्तों दोनों ही अगर लगा दिया जाएगा तो 5.5 मिली हो जाएगा, और फिर जब फिटअप होने के बाद फिर जब उसको जब खींचेंगे तो 4 मिली बिल्कुल फ्री गैप मिल जाएगा आपको, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है वेल्डिंग करने के लिए। तो इसके लिए दोस्तों देखिए दोस्तों, इस साइड में पूरा अच्छा से फिटअप हो गया, इस साइड का जॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है। इधर में आपको बराबर जॉइंट मिल रहा है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर टॉप में भी टेकिंग लग गया, और नीचे में दोस्तों टेकिंग लगा कि नहीं मैं दिखा नहीं, पर ऊपर टेकिंग लग गया है। और दोस्तों देखिए दोस्तों, ये जो साइड में दोस्तों कि ये एल किट लगा हुआ है, ताकि चाबी करने के लिए अच्छा रहेगा, चाबी मारने के लिए। और देखिए दोस्तों, यहाँ दोस्तों एक पाइप से टी में और टी से पाइप में फिटअप हो रहा है। देखिए दोस्तों, दो साइड में पाइप है, बीच में दोस्तों टी है। तो दोस्तों ये दोस्तों यहाँ पे फिटअप हो रहा है, यहाँ पे भी काम चल रहा है। तो देखो देखो दोस्तों, इसमें भी दोस्तों गैप जो रॉड लगाया हुआ है, ये भी वही गैप रॉड लगाया हुआ है, कि मतलब एक पट्टी डला हुआ है और बीच में एक पत्थर डला हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों वही दोस्तों लगा हुआ यहाँ पे भी है। देखो दोस्तों, यहाँ पे भी वही पीस चल रहा है। देखो दोस्तों, इसमें अभी टी जो है, टी में और पाइप दोनों साइड जॉइंट हो रहा है, साइड में दो जगह पे। देखो दोस्तों, यहाँ पे एक वेल्डर वेल्डिंग कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पे एक वेल्डर खड़े हैं यहाँ पे टेकिंग करने के लिए। और दोस्तों यहाँ पे फिटर साहब जो है वो अपना पाइप का जो गैप है, गैप मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि ये गैप बराबर होगा तो ही पाइप फिटअप हो सकता है आगे। गैप और ओवरलैप ज़्यादा बहुत ज़्यादा दोस्तों ओवरलैप है, तो ओवरलैप को मेंटेन करना पड़ेगा, पर सो देखते हैं कैसे ओवरलैप मेंटेन होता है। और देखिए दोस्तों, ये दोस्तों 90 चेक हो रहा है एल्बो और इसका टी का। और दोस्तों ये जॉइंट जो है, ये दोस्तों 20 इंच का जॉइंट है दोस्तों। देखिए दोस्तों, राइट एंगल दोस्तों ऐसे दोस्तों इसको चेक किया जाता है, ये 90
दो में दोस्तों यहाँ पर लगाया जाएगा और एक साइड उधर लगाया जाएगा और एक साइड इधर लगाया जाएगा। देखो दोस्तों अगर ये अगर 691 हुआ तो दोस्तों इस साइड भी 691 ही होना चाहिए। देखो दोस्तों दोस्तों ये चेकिंग हो गया क्योंकि तो मोबाइल जूम किया तब तक में वो चेकिंग हो गया दोस्तों। देखो दोस्तों बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जो लेवल चेक किया तो वो 90 चेक किया तो बिल्कुल 90 ओके 90 है, 90 में कोई दिक्कत नहीं है। पर फिर भी दोस्तों इसका जो फिटर्स है उसका काम होते के अंदर में घुस के अच्छा से चेक करना, अच्छा से देखना ताकि जॉइंट बराबर मिले हम लोगों को। देखो दोस्तों वही चेक कर रहे हैं अंदर में घुस करके ताकि कोई भी अगर दिक्कत होगा अगर तो अंदर में ग्राइंडिंग कर सकते हैं या कोई भी या फिर कुछ जो दोस्तों कर सकते हैं वो करेंगे वो। देखिए दोस्तों पेंसिल लगाए हैं, पेंसिल घुसाए अंदर में तो उनको मालूम पड़ गया कितना एम ओवरलैप है कितना क्या है रहे हैं। तो देखिए दोस्तों अभी वो अंदर घुसाए तो अंदर कटिंग कर रहे हो, देखिए दोस्तों वहाँ घिस रहे हैं तो उससे मालूम पड़ जाएगा कितना एम ओवरलैप है अंदर में। देखिए दोस्तों ज़्यादा नहीं थोड़ा ओवरलैप है पर इसमें वही चेक कर रहे हैं कि चलेगा। देखिए दोस्तों वो बोल रहे हैं कि पीस टेकिंग कर लो, मुश्किल नहीं बात है, फिर इसको हम लोग गैप बना करके ओवरलैप दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बोले ठीक है मुश्किल नहीं है, वो कम कर सकते हो तो कर लो भाई। देखिए दोस्तों जो टेकिंग कर रहे हैं वो भी बिल्डर हैं। और दोस्तों यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे सभी बिल्डर जो भी बिल्डर हैं सभी क्वालिफाइड बिल्डर होते हैं और कोई सी भी बिल्डर को टेकिंग मारने के लिए भेज सकते हैं। तो उसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि टेकिंग मारने हम जगह हम जाएंगे वो क्या ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों टेकिंग मारना भी दोस्तों एक काम है, टेकिंग नहीं हो तो फिटअप नहीं हो, फिटअप नहीं हो तो आगे बिल्डिंग कैसे हो पाएगा, इसके वजह से टेकिंग भी मारना ज़रूरी है। तो वैसे भी टेकिंग कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए दोस्तों यहाँ पर दोस्तों अपना ये अपना सेफ्टी वाले हैं जो फिलीपींस से हैं, फिलीपींस सेफ्टी वाले हैं। और ये दोस्तों होस पाइप बॉक्स है, इसमें होस पाइप लगा रहता है, कभी भी कोई इमरजेंसी हुआ तो होस पाइप को खींच करके और पानी वाटर चालू कर कर अब कहीं भी आप फायर बुझा सकते हैं इससे। देखिए दोस्तों अभी भी फिटर साहब अंदर चेक कर रहे हैं कैसे क्या है नहीं है। और दोस्तों उस साइड से दोस्तों टेकिंग लग रहा है क्योंकि उस साइड से बिल्कुल बिल्कुल सही था, उस साइड से बिल्कुल बराबर है। उस साइड से मैं दिखाता हूँ, इस साइड से दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए दोस्तों इस साइड से बिल्कुल सही, इस साइड से कोई दिक्कत इस इधर से नहीं है, इसके लिए बोला जैसे टेकिंग कर दो कोई मुश्किल नहीं है। देखिए दोस्तों एक साइड दोस्तों टेकिंग हो गया ऊपर में टॉप में, दोस्तों टॉप में टेकिंग तो था ही और दोस्तों इधर भी बगल में भी टेकिंग हो गया है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। फिर दोस्तों यहाँ नीचे दोस्तों एक टेकिंग लग रहा है, दोस्तों तीन टेकिंग इधर लग गया अगर तो बस समझ लिया आधा काम हो गया। और उस साइड से फिर जा करके उस साइड से जो क्लिट उस साइड से क्लिट बराबर चेक कर लेंगे, चेक करके बाद में तीन क्लिट लगा देंगे, तीन क्लिट लगाने के बाद में दोस्तों जॉइंट आपका कम्प्लीट हो गया है। तो देखो दोस्तों ये थे दोस्तों ऐसे दोस्तों यहाँ पे दोस्तों टेकिंग होता है, ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे फिट लगता है, सब कुछ होता है। तो क्या दोस्तों वीडियो ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों आपसे, फिर अगले वीडियो में दोस्तों आपको देखते हैं क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा जो वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके दोस्तों नमस्कार, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे।